वार्ड सरपंच मुंसरी, हमारे धर्म सिंह का क्या पूर्व सरपंच भानगढ़ और सारे सारे साथी, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, सारे जनप्रतिनिधि साथियों सबका मैं एक एक वर्कर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतनी भारी संख्या में आप आए और आपने इस गण के कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं, अजीतपुरा गांव में भाइयों साय गांव में कीड़ा पंच आया था और साय गांव के साय उप तहसील के 450 घर नेस्तना बूथ करके चला गया था। वैसा का वैसा एक कीड़ा पंजा यहां आने वाला था अजीतपुरा में। मेरे पास अजीतपुरा के दो गए कि बलवान जी हम उस जगह बसते और हमारे घर भेज सकते, हमारे पास नोटिस आए। मैंने इनको कहा आप क्या बुलडोजर चलेगा तो बलवान दुनिया की छाती के ऊपर से चलेगा। बुलडोजर को दूर की बात, दोबारा कभी नोटिस नहीं आने दिया। साया नहीं था ये बादरा थी और बादरा का एमएलए बलवान दुनिया था। आज फिर आपसे कहना चाहता हूं अजीतपुरा के लोगों, आपके गांव की एक हिताई का मामला आया था, कुछ भूमाफियों ने हिताई पर कब्जा कर लिया और इस ढंग से हमारी पंचायत समिति की मेंबर और उनके पति श्रीदेव जी ने और राठौर साहब ने, जिन्होंने मुझे फोन पर वोट दिया था पंचायत समिति प्रधान बनाने का, उन्होंने ये तय करा कि हिताई खाली होनी चाहिए। ये मैंने हिताई खाली कर दी और जत्थे के साथ हिताई को खाली करके उसका अतिक्रमण हटाने का काम करा था। मैं अगर बात बताऊं, मैं बात बताऊं, आपके गांव में पीएम श्री का स्कूल चयनित हुआ है, प्रधानमंत्री से भी कोई योजना थी स्टेट में तो स्टेट उसको लागू करने से पहले एमएलए की अनुशंसा मांगता है। मेरी अनुशंसा से अजीतपुरा के स्कूल को 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है, 2 करोड़ रुपए की। मैं अजीतपुरा के लोगों से कहना चाहता हूं, आपका ये स्कूल जो कन्या विद्यालय था 8वां का, जिसमें 550 बच्चियां थी, 12वीं तक करने का काम आपके बलवान पुनिया ने करा है। माज कह के जा रहा हूं, आप मुझे एमएलए जिताते हो तो ये एमएलए बनने के बाद आज मैं तलादाबाद जाऊंगा, मैं कच्ची सड़क से तलादाबाद में भी कार्यक्रम है, लेकिन 2250 में जब गढ़ में प्रोग्राम के लिए आएंगे ना उत्तराबाद। दोस्तों काम करा है, काम करेंगे। नहर के पानी का सवाल जो है, जर्जर हालत में नहर और मैप मिला था मेरे को, 450 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए। जिस दिन हरियाणा में पानी लेने की बात करते हैं तो हरियाणा ये भी बात करता है कि आपकी नहरों की कैपेसिटी नहीं है। 450 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए, जिस भाजपा के राज में फुट्टी कोड़ी नहीं मिली थी नहर महकमे को, वो भाजपा का पूर्व विधायक ये कह रहा है कि बलवान पुनिया की औकात क्या है। मैं कहना चाहता हूं आप सब हजारों लोगों के बीच में, भाइयों 3 कॉलेज खोले हमने, 450 करोड़ रुपए सिंचाई महकमे में लेके आए, खड़े बन रहे नहर टूटने के दोबारा बनेंगी, एक एक बूंद जो राजस्थान में ढलेगी आपके खेतों तक पहुंचेगी, 350 करोड़ रुपए पेयजल में हमने स्वीकृत कराए, 350 करोड़ रुपए के काम। अजीतपुरा गांव में चले तो अजीतपुरा गांव खारा पानी पीता था, उसके स्टोरेज बन रही, ऊंची डीजी बन रही, घर घर मीठा पानी पूछेगा, पूरी तहसील में मीठा पानी पहुंचाने का काम करा। बाबूजी कहते हैं हमारी औकात क्या है, मैं कहना चाहता हूं गंगा वाली सड़क अजीतपुरा की सड़क 20 साल से टूटी फूटी थी, उनकी गाड़ी जब आती थी यू होती थी, आज हमारी गाड़ी आई है नाथ की डंडी सड़क जोड़ के आई है, एकदम सारी तहसील की सड़कें जोरदार, हमारी बनाई हुई जोरदार सड़कों पर चलते चलते बड़ी बेसरमी के साथ कह रहे हैं तहसील में हुआ क्या। अरे कुछ तो शर्म करो भाई, हमने 450 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बनाई, चिकनी सड़कें चारों तरफ। उन सारे के सारे लोगों से कहना चाहता हूं, सारे के सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि जो आप पिछले 5 साल में आपने काम देखे, उन कामों को अगर आप, सबसे ज्यादा जो बड़ा काम हमने करा जिसकी वजह से आज हमारे सारे साथी मजबूर बैठे साथी जुड़े, कांग्रेस का शासन था राजस्थान में, बीजेपी ने साजिश रची, शासन गिरवा देते, जब अच्छा मुख्यमंत्री नहीं रहते, कांग्रेस की सरकार नहीं बचती, लोग तो काम पड़े ब्लैकमेल करते हैं, लोग तो काम पड़े आंधी पीछने की कोशिश करते हैं, लोग जब काम पड़े तो टेढ़ी मेढ़ी बात करते हैं। बलवान पुनिया ने बिना कोई टेढ़ी मेढ़ी बात करे राजस्थान के अशोक गहलोत की सरकार को बचाया
और सरकार गिरने नहीं दी। उस समय पत्रकारों ने मुझे आकर के पूछा कि तुम्हारे पास क्या सामान है जो तुम सरकार नहीं गिरने दोगे। मैंने मेरी पार्टी का झंडा दिखाया, ये मेरे पास सामान, इसे रेल रुक करके तुम सरकार भी कह रहे हो और कह लो चाहती सरकार बच गई। मैं कहना चाहता हूँ साथियों, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, 22 तारीख को हमारी रैली, हमारे रैली में सारे भाषण करेंगे। आप एक बात कहना चाहता हूँ, जो साथी आए घर घर जाओ, चप्पे चप्पे में जाओ, जातीय जगह सितारा का पठन करवाने के लोगों को कहो और 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराओ, कोई अपना वोटर बस नहीं जाए। मजबूत नेता बुलंदाबाद, मिशन 2023 बलवान पूर्णिया जिंदाबाद। आप सब साथियों का मैं हरिजन धर्मशाला के लिए, दलितों की धर्मशाला के लिए जो घोषणा मैंने करी है अगले बजट में पूरी करूंगा। नायक धर्मशाला में पट्टे पत्ता नहीं होने की वजह से कमरे नहीं बन पाए थे, वो कमरे बनाने की भी पूरी काम पूरा करूंगा। मैंने जो दलित समाज के लिए विधानसभा में आवाज उठाई है, उस आवाज को पूरा करने का काम करूंगा।